पता होता तो मैं आपको डिच ही नहीं करता, साची जी का नंबर ही नहीं लगता। साची के हाथ की पूरन पूरी खाई है, इनमें चढ़ता रहेगा। गरम पाव चलो चलो, मक्खन भी तो लगाना हमको। अच्छा चलो, जब तक गरम गरम पाव आ रहे मक्खन मार के, तुम बताओ ना कल रात को क्या हुआ। शॉर्टकट मत मारना। क्या क्या हुआ मतलब क्या हुआ? शादी हुई ना, और तुम भी तो थी वहां पर। चुपेट, शादी की बात नहीं कर रही हूँ। भाग रात का क्या हुआ? अरे आदू कोई बच्चा थोड़ी ना है। अब भी आदू की 10 गर्लफ्रेंड्स के नाम मैं बोल सकती हूँ। ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम रसगुल्ला खाओ। और वैसे भी ये सब मैटर कितना ग्रोस है, अपने कान बंद कर लेता हूँ। क्या बताऊँ मैं, हम लोग ने सुहाग रात थोड़ी ना मना, हम लोग ने तो सुहाग सुबह होने। What? तुम लोग के गेम्स के चक्कर में इतना लेट हो गया, और फिर मेरे प्यारे साले और साली ने मुझे दरवाजे पर ही रोक दिया। तब तक मैं अंदर पहुंचा, सुबह हो गई और फिर हम थककर सो गए। How sad! लेकिन कोई बात नहीं, आज की रात तो है ना। नानी जी, हम तो बस वो करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे। क्यों क्यों? ऐसा हुआ है कि अब मैं इस घर का दामाद हूँ, तो दामाद की तो हमेशा खातिर होती है। मुझे सब कुछ खिलाया जा रहा है एंड बहुत खातिर हो रही है। आई एम एंजॉयिंग द अटेंशन। बस अब तो मैं इस घर में बीवी जो है ना, उसने अपने सारे पैसे प्रभु हाउस को खरीदने में स्पेंड कर दिए, तो उसके पास पैसे नहीं है हनीमून के लिए भी। तो आज ही नानी ने उन्हें गिफ्ट दिया है कि आप गोवा जाइए। यार ये मैंने सोच समझ के नहीं पहना है, डीवी ने कोई प्लान करके नहीं पहना है, ये जो हमारी स्टाइलिस्ट है उन्होंने। बट कोइंसिडेंटली है, एंड हनीमून और लव और प्यार, इनमें भी रेड बहुत यूज होता है, तो नाइस परफेक्ट कॉम्बिनेशन। डीवी और साची जा रहे हैं गोवा, एंड गोवा पता नहीं साची जी कभी गई नहीं होंगी। हमेशा वैलेंटाइंस डे में साची जी के साथ हम तो हनीमून पर जा रहे हैं, तो हनीमून में ही हमारा वैलेंटाइंस भी मन जाएगा। एंड वो तो वैलेंटाइंस डे अभी थोड़ा दूर है, एक हफ्ता है ऑलमोस्ट, तब तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ प्लान कर लूँगा मैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो ये हुआ है कि शादी हो गई है, यही एक बड़ा ट्विस्ट हुआ है शो में, जो कि अभी तक हो जानी चाहिए थी। 6 महीने हो गए हैं डीवी और साची को मिले हुए, और 6 महीने के बाद ये ट्विस्ट आया है। जो टर्न्स लिए हैं हमने, फेरे 7 जो लिए हैं, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब जो आगे चल के शो का रुख होगा वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि साची मेरी फैमिली से जुड़ेगी, गोयल परिवार से उनका मिलना जुलना ज़्यादा बढ़ेगा, एंड उनमें दोस्ती होगी, दुश्मनी होगी, क्या होगा ये अब देखना बाकी है।